B1 English Test GESA Grade 5 Trinity College London. For indefinite leave to remain in the UK. Permanent settlement. British citizenship naturalization and permanent residency. Self-secure English language tests. अभी मुझे पहले नंबर पे आपने वीडियोस काफी देखी हुई होंगी. आप मुझे पहले ये बताएं आपने कौन सा टॉपिक अपने लिए सिलेक्ट किया है, फिर मैं उसके पॉइंट्स बनाऊंगी. जी मैंने पहले माय कंट्री किया था, लेकिन वो मुझे फिर मुश्किल लग रहा था, फिर उसके बाद मैंने माय फैमिली कर दिया है। ठीक है, माय फैमिली में क्या टॉपिक पॉइंट्स किए हैं? जी माय फैमिली में माय हस्बैंड, माय फैमिली हाउस, माय चिल्ड्रन, माय फैमिली एक्टिविटीज, ये अभी फिलहाल तो ये थे। अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि कैसे करना है. यहाँ पे आप चाह रही हैं कि आप माय फैमिली ले लें, ठीक है? नहीं, मैं आप मुझे बता दें कि जो मेरे लिए आपको आसान अच्छा। बताऊं, सच में जो मेरे स्टूडेंट्स जी ली के पास भी हो जाते हैं, मैं कहती हूँ आप माय जी सेल्फ ले, ठीक है? बस ठीक है जी, माय ठीक है सेल्फ ले के ना आगे करें माय फैमिली एक पॉइंट, ताकि एग्जामिनर को थोड़ा बड़ा टॉपिक मिले, वो आपको सवाल पूछे टेल मी अबाउट योर फैमिली, जी आप कुछ सीख लें उसके बारे में. अच्छा, अब उसके बाद मेरा ख्याल है कि आपको एक पॉइंट लेना चाहिए, आपकी फेवरेट हॉबीज, आपको कौन सी चीजें करना अच्छा लगता है वो. बेटा, मेरे तो 4 बच्चे हैं, एक पाकिस्तान में, 3 इधर है, मैरिड है, उनके आगे बच्चे हैं। मैं तो बस कुकिंग करती हूँ या शॉपिंग अच्छा, करना अच्छा लगता है। शॉपिंग करना अच्छा लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दूँ माय फेवरेट शॉपिंग सेंटर, माय जी। फेवरेट शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग सेंटर. ओके, और उसके बाद हम ले लेते हैं. देखिए, अब आपने माय फैमिली लिया हुआ है ना, तो उसमें मैं चाहती हूँ कि और कोई चीज, आप और किसी चीज की बात आप करें, जैसे आपकी कोई, आपको कोई म्यूजिक अच्छा लगता है या कुछ और ऐसी चीज. जी म्यूजिक पसंद पसंद जी म्यूजिक तो तो बड़ा जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे, जो म्यूजिक. नहीं, म्यूजिक तो पसंद है। अच्छा, चले माय फेवरेट म्यूजिक, ठीक है? अब अभी मैं करके देखूंगी, नहीं सही होगा तो चेंज कर देंगे, ठीक है? अब इसमें आपने बोला है मैंने माय कंट्री प्रिपेयर किया है, तो यहाँ पे ना एक पॉइंट माय कंट्री भी करते हैं, ठीक है? अच्छा ताकि एग्जामिनर अगर थोड़ा बहुत पूछेगा ना आपसे, टेल मी व्हाट यू लाइक अबाउट योर कंट्री, राइट, जी तो आपको, आप बता सकती हैं उसमें. ठीक अभी है देखिए, मैंने बड़े, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स लिए हैं, ताकि एग्जामिनर के पास अगर 5 मिनट सवाल करने के लिए है, तो वो आपको एक जनरल सा सवाल करे, ठीक है? ठीक है जैसे कि ये अभी हमने चूज किया ना माय फैमिली, इसमें वो पूछेगा आपसे टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, तो आप बता दीजिएगा जो भी आपने बताना है, जी। बताएं, क्या बताइए? आई एम हाउस वाइफ, आई हैव 4 चिल्ड्रन। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं. देखिए, अब जी माय फैमिली है अच्छा ना, वो इसमें सवाल ये जी पूछना है टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, तो आपने पता कैसे बताना है. आई हैव 5 मेंबर्स ऑफ द फैमिली, आई हैव 4 चिल्ड्रन, आप एंड व्हाट अबाउट योर हस्बैंड, डू यू लिव विद योर हस्बैंड? यस ओके, सो आई हैव गॉट 5 मेंबर्स ऑफ द फैमिली, राइट, माय हस्बैंड एंड माय चिल्ड्रन, आई हैव 4 यस चिल्ड्रन, ऑल माई चिल्ड्रन आर मैरिड, मुझे नहीं पता कि यस उनकी हो गई है शादी की नहीं हुई, ठीक है? जी जी हुई थ्री हुई है अच्छा अभी। चल थ्री ऑफ देम लिव, थ्री ऑफ देम लिव इन द यूके एंड वन इज इन पाकिस्तान, यस एंड आई रियली लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, माई ग्रैंड चिल्ड्रन, आई लाइक टू कुक फॉर देम, आई रियली एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली. देखिए, आपने ना अपनी फैमिली के बारे में बताया उसमें. ठीक है सही है। अच्छा, आप बताएं मुझे दोबारा से, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, अगर नहीं होगा तो मैं आपको लिख के दे दूंगी, कोई मसला नहीं, आप हाँ बताएं. बेटा, लिख लिख के भेज देंगी ना, तो मैं फिर उसको देख के याद करती आप ट्राई रहूंगी। तो करें ना, आपको आता है, चलें करें ट्राई. माय फैमिली, टेल मी माय समथिंग अबाउट योर फैमिली, फैमिली. आई हैव 5 मेंबर इन माय फैमिली, वन माय हस्बैंड, 4 माय चिल्ड्रन, दे आर ऑल मैरिड, दे 3 लिव इन यूके, 1 लिव इन पाकिस्तान, माय ब्यूटीफुल स्मॉल फैमिली। ओके, वेरी गुड. दे आर ऑल मैरिड, माय ग्रैंड सन, आई हैव ग्रैंड सन। रियली, दैट्स नाइस. ओके,
Okay, that's nice. My daughter, three children, two twins, one son, my son, two son, second one, two son. Okay, so you've got four grandchildren or six? No, four, two, Two. Eight, six, seven Very grandchildren. nice. That's very nice. So what activities do you enjoy doing with your grandchildren? They are come on weekend. We going to a park sometime. We go going to play areas. Enjoy the my grandson in play areas. Sometime go to hotels, dinners. Sometime stay home watching cartoons, video games. Good job. Very nice. Tell me Enjoy the something. all. Enjoy the all weekend. Enjoy the all weekend. Weekend enjoy. Tell me something about your favorite hobbies, favorite things you'd like to do in your free time. My favorite hobbies: cooking, shopping, watching movies. Sometime I go to my free time. I go to near my house shopping mall. Westfield is very big shopping mall. Sometime I eat cooking. I cook food for my family. Yes, cook food in my family. For how many I people do like you biryani. For how many people do you usually cook? My children come to on weekend. Five, six members. I cook to eat. I ready to dinners. Sometime I ready to lunch. Tell me something about your favorite shopping center. My favorite shopping center is Westfield because near my house. A very big shopping mall where new we both, very big shopping mall, very beautiful shopping mall. How far it is from the place where you live? Sorry? How far it is from the place where you live? कि मैं वहां कैसे जाती हूँ? नहीं, फार का मतलब है कितनी दूर है, कितना डिस्टेंस अच्छा, है फ्रॉम द प्लेस वेयर यू लिव। आई गो ट्रेन 10 मिनट, कार 15 मिनट. हाउ ऑफन डू यू गो देयर? मोस्टली ऑन द वीकेंड. Okay, I think this is a good point. What do you like to buy from your favorite shopping center? Different things, clothes, shoes, jewelries, sometime decoration pieces, my house, perfumes, bags, anything. Good. Do you compare prices when you're buying things from your favorite shopping center? Price. Compare a price, compare करती है कि ये 10 pound का है, ये 20 का है, कौन सा लेना चाहिए, वो compare होता है. Do you नहीं, compare मुझे price? जो अच्छी चीज हो वो मुझे पसंद है. Very nice. तो पर इंग्लिश में बताए ना. No compare, because it's a good ये जरा खैर तैयारी कर लूंगी. कोई बात नहीं है, बोले तो सही ना, ट्राई तो करें. अच्छा, जी, मुझे जो पसंद आ जाए तो फिर मैं ले लेती मैं आपको बताती हूँ हूँ. ना कैसे बोलना है, फिर आप ट्राई कीजिएगा. आई डोंट लाइक टू कंपेयर प्राइस, आई बाय व्हाट आई लाइक, यू नो.
Yes, I don't like I don't price. like to. I don't like to compare price. If I like something, I buy it. If I like something, I buy it. ओके ठीक है, ये मैं कर इंशाल्लाह रात को पढ़ती रहूंगी ना। भी मैं आपको ना लिख के भी देती हूँ ये कुछ, आप थोड़ा सही देखो. ठीक है। अबाउट, टेल मी समथिंग अबाउट योर फेवरेट म्यूजिक. आई लाइक म्यूजिक, आई फ्री टाइम आई लेसन म्यूजिक, आई लाइक फास्ट नहीं, मैं यानी स्लो म्यूजिक पसंद करती हूँ ना। आई लाइक स्लो म्यूजिक, आई लाइक स्लो म्यूजिक बिकॉज स्लो म्यूजिक इज यानी मेरे जहन को भी अच्छा लगता है, I like it. It's very relaxing. रिलैक्सिंग। Yeah, I feel stress free. I feel relaxed. I feel happy. You know, आई I feel like फ्री dancing. आई फ्री ऑल वर्क हाउस आई फ्री हाउस एंड चोर्स काम से, तो आई लेसन म्यूजिक स्लो म्यूजिक, आई जी. रिलैक्स रिलैक्स म्यूजिक। ओके, सो आप घर का काम करती है ना म्यूजिक लगा के, यही कह रही है ना? नहीं यानी मैं घर के काम से अच्छा, फारिग होके फिर आराम से बैठ के स्लो म्यूजिक सुनती हूँ। फारिग. ओके ओके ओके. सो फारिग डू व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स डू यू लाइक? होके आई लाइक इंडियन सॉन्ग्स, पाकिस्तानी सॉन्ग बट स्लो म्यूजिक्स, नो फास्ट, आई नो फास्ट म्यूजिक, अच्छा, अभी देखिए स्लो म्यूजिक कुछ नहीं होता, ये होता है क्लासिकल म्यूजिक. ठीक है, क्लासिकल. क्लासिक म्यूजिक ठीक है, जी क्लासिकल म्यूजिक, आई लाइक क्लासिकल म्यूजिक जी जी ठीक है. अब ठीक है। मतलब ये भी पॉइंट ठीक है, आप कर लेंगे. ओके, नाउ टेल मी समथिंग अबाउट योर कंट्री. यस माय कंट्री, आई लाइक माय कंट्री, माय कंट्री इज माय कंट्री इज पाकिस्तान, आई लाइक माय कंट्री, आई गो टू मोस्टली वन इज वन ईयर वन ईयर साल में एक बार, Once in वन a ईयर year. वन ईयर्स लाइक समर आई एंजॉय माय कंट्री, माय कंट्री, आई लिव इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इज कैपिटल पाकिस्तान, माय इस्लामाबाद इज वेरी ब्यूटीफुल सिटी, आई लिव इन अ बैरिया टाउन, बैरिया टाउन इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल सोसाइटी, नीट एंड क्लीन रोड्स, सम टाइम आई गो टू आउटसाइड सवात मरी मरी नथिया गली, इज वेरी स्वात इज वेरी ब्यूटीफुल सिटी, आई इंजॉय द समर, वेरी माउंटेन्स ट्रीज, वेरी ग्रीनरी एरियाज, आई एंजॉय द समर, पता नहीं अब ठीक है कि नहीं। वेरी नाइस. अभी देखिए, वेरी वेरी ट्रीज नहीं बोलना, अ लॉट ऑफ ट्रीज, अ लॉट लॉर्ड ऑफ ऑफ ट्रीज, माउंटेन्स, लॉर्ड ऑफ ट्रीज, लॉट ऑफ ट्रीज. ठीक है. लॉर्ड ऑफ ट्रीज, अच्छा, अभी मेरे हिसाब से ना पॉइंट्स ठीक है, परेशान नहीं होना, आपने आप कर लेंगे. ठीक ठीक है, है थैंक ठीक है यू. ठीक है, थैंक यू बाय, थैंक यू नाइस टू मीट बाय, यू. थैंक यू थैंक यू।